Hello, students. This is Class 8, and now we are going to continue our chapter number four, which name is Combustion and Flame. So, students, in our previous video, we already discussed about the types of fire and how can we extinguish a fire. Okay. So here we are going to discuss about the flame. Okay, types of flame. Uh, uh, I already uh, gave you a uh, short introduction about the flame. Okay, in the last video. So here we are going to uh, read. सो द वर्ड फ्लेम इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड ये जो फ्लेम वर्ड है वो किससे निकला हुआ है लैटिन वर्ड से निकला हुआ है जिससे लैटिन वर्ड में फ्लेमा बोलते थे इसका मीनिंग होता था विजिबल पार्ट ऑफ द फायर मतलब कि जहां पे फायर विजिबल होती है अ फ्लेम इज द रीजन फॉर कम्ब्यूजन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस टू प्रोडक्ट हीट एंड लाइट तो ये जो कंब्यूजन uh, है फ्यूल का मतलब कि जहां से जो हीट uh, है और जो लाइट है वो प्रोड्यूस होता है द फ्लेम्स प्रोड्यूस्ड बाय द एलपीजी आर ब्लू इन कलर तो इस तरीके से जो फ्लेम है एलपीजी की ओके okay, वो ब्लू कलर की होती है वे द फ्लेम प्रोड्यूस्ड बाय द कैंडल इज येलो और अगर हम लोग कैंडल को जलाते हैं तो वो किस कलर की हो जाती है येलो कलर की होती है मैग्नीशियम बर्न्स विद द व्हाइट फ्लेम और जब मैग्नीशियम चलता है तो वो व्हाइट फ्लेम के साथ चलता है तो भाई इस तरीके से ऐसा क्यों मतलब कि जो कम्ब्यूजन थिंग्स है उसको जब हम लोग बर्न करते हैं तो उसमें से अलग अलग कलर की गैसेस क्यों निकलती है सो लेकेट हियर द कलर ऑफ द फ्लेम्स डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इस तरीके से जो कलर होता है फ्लेम का मतलब की जो भी आग आप जला रहे हैं फायर जला रहे हैं उसका जो कलर होता है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिपेंड होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड नेचर ऑफ द फ्यूल यूज हाइड्रोजन बर्न विद ब्लू और येलो फ्लेम्स जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर नेचर में बहुत ज्यादा है और आप लोग फ्लेम जला रहे हैं तो वो किस कलर की होंगी ब्लू और येलो कलर की होगी द गिवन बिलो इमेज शो द वाइब्रेशन इन द कलर ऑफ द फ्लेम इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि कहां पर जो उनके ऑक्सीजन लेवल है वो ज्यादा है और किस तरीके से जो फ्लेम है वो भी द येलो फ्लेम रिलीज लाइट दस कॉल द लिम्योनियो ल्यूमिनियस फ्लेम ये जो लिम्योनियस फ्लेम होता है Uh, ये क्या करती है येलो कलर की होती है और जिससे क्या होता है प्रकाश होता है मतलब कि लाइट फैलती है दैट्स कॉल द एलिमियस फ्लेम मतलब कि जहां से लाइट फैलती है दैट्स कॉल द लिमिनियस ओके अल्यूमिनियस फ्लेम इज जनरली ऑब्जर्व्ड वैन देयर इज इनकम्प्लीट कम्पिबल ड्यू टू द दिनसफिशियंट ऑक्सीजन अब ये फ्लेम तब जलती है जब जो ऑक्सीजन है वो इनसफिशियंट होती है मतलब कि सफिशियंट नहीं होती है द टेम्परेचर ऑफ येलो फ्लेम इज कम्परेटिवली लोअर देन द ब्लू फ्लेम यानी कि जो ब्लू फ्लेम है तब जो टेम्परेचर है वो हाई होगा ओके हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कैंडल और गैस जो जलती है उसमें ओके जब एलपीजी जलाते हैं तो वो ब्लू कलर से जलेगी ब्लू और uh, येलो दोनों ही निकलती है बट मोस्ट ऑफ द केसेस हमें ब्लू निकलती है ओके तो ब्लू कलर का मतलब ही यह है कि ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट है और अगर ब्लू कलर कम है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी है और जो कैंडल है वो येलो कलर से जलती है ओके तो इस तरीके से हम लोग उसका अंदाजा लगा सकते हैं एंड सेकेंड है ब्लू फ्लेम इज लेस ब्राइट जो ब्लू फ्लेम

यू विल फाइंड थ्री कलर्स इन द फ्लेम अब भाई देखिए अभी तो हमने देख लिया कि जो फ्लेम है वो किस तरीके से जलती है अब फ्लेम जब जलती है ना तो उसके भी थ्री कलर्स हमको देखने मिलेंगे लुक दिस इमेज ओके फर्स्ट इज मिडिल जोन आउटर जोन एंड इनर जोन इनर जोन जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है विच इज आउटर जोन ओके और ये होता है मिडिल जोन तो किस तरीके से हमने इसके जोन को डिवाइड किया अब जो आउटर पार्ट होता है यहां पर जो आग होती है वो क्या होती है ज्यादा गर्म होती है बल्कि जो मिडिल पार्ट होता है जो इनर पार्ट होता है वहां की जो आग होती है उसका जो टेम्परेचर है वो उतना ज्यादा नहीं होता है तो देखते हैं अब हम इसके जोन को द आउटर जोन इट इज ब्लू इन कलर इन दिस हॉटर पार्ट ऑफ द फ्रेम अब भाई ये जो आउटर पार्ट होता है ये बहुत ज्यादा हॉटर पार्ट होता है ओके okay, बहुत ज्यादा गर्म द वैक्स वेपर इन द जोन ए सफिशियंट ऑक्सीजन टू बर्न कंप्लीटली प्रोडक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इट इज अ नॉन अमिनियस जोन ये जो आउटर पार्ट है इसे नॉन ल्यूमिनियस जोन भी बोला जाता है बट ये बहुत ज्यादा वार्म होती है हैवी uh, होती है एंड हॉटर होती है ओके okay, हॉटेस्ट होती है नेक्स्ट आ जाएगा द येलो इन कलर, इसका कलर येलो होता है इट इज लेस हॉट देन द आउटर जोन ये उतनी गर्म नहीं होती है जितनी आउटर जोन गर्म होता है ओके इन कम्प्लीट ऑफ द वैक्स पेपर है कार्बन पार्टिकल्स आर द प्रोड्यूस दिस कार्बन पार्टिकल्स ग्लो गिविंग द जोन इट्स येलो कलर इट इज द लिमिनियस जोन नेक्स्ट आ जाता है हमारा द इनर जोन जो की कौन से कलर की होती है स्टूडेंस तो ब्लैक कलर की होती है और ये कंपेरेटिवलीके फ्लेम okay, का ओके okay, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन एकदम लेस हो जाती है दैट्स वाई ये जो फ्लेम है इसका कलर ब्लैक हो जाता है टेन तो ये इट इज द ब्लैक इन कलर इट इज द कूलेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम ये कूलेस्ट पार्ट होता है दैक्स पेपर एन दोन रिमेन अंडर बिकॉज ऑफ अन एवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन दिस जोन इज कम्प्लीटली डार्क एंड इमिट्स नो लाइट इसलिए यहां की जो लाइट है वो नहीं जल्दी क्यों क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है उसकी क्या हो जाती है कमी हो जाती है नाव यू हैव टू रीड दिस बुलेट पॉइंट ओके नाइन बाइज नाइन सो यूल यू विल गेट द बेटर अंडरस्टैंड बाय रीडिंग ओके तो यहाँ पर आपको आप लोगों को कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे आप लोग रीड करके अच्छे से समझ सकते हैं पढ़ सकते हैं न आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस सेशन दैट मीन्स फ्लेम कलर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स सो देखिए यहाँ पे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस दिस पैरा ऑल मेटल प्रोड्यू प्रोड्यूस फ्लेम ऑफ डिफरेंट कलर जो मेटल्स होते हैं उनको जब हम लोग जलाते हैं तो उन लोग अलग अलग फ्लेम को रिप्रेजेंट करते हैं मतलब फ्लेम के अलग अलग कलर को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम वेपर्स दैट बर्न्स विद द फ्लेम जो अलग अलग वेपर उसमें से निकलती है और अलग अलग फ्लेम से लोग चलते हैं सच एस पोटेशियम विद द वायलेट फ्लेम जो पोटेशियम होता है स्टूडेंट्स वो वायलेट कलर की फ्लेम से चलता है सोडियम बर्न विद येलो फ्लेम जो सोडियम होता है वो येलो फ्लेम के साथ जलेगा एंड कॉपर वर्थ बर्न विथ ग्रीन कलर्ड फ्लेम और जो कॉपर है वो ग्रीन कलर की फ्लेम से जलेगा तो अगर आपके पास कोई ऐसे थिंग है जो जल रही है तो आप लोग उसके कलर को देख के जज कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कौन सा मेटल है

अभी जो कैरोसिन होता है वह ये लाइटेड होता है जब यह जलता है तो ये ऑयल फॉर्म में होता है मतलब कि लिक्विडी फॉर्म में होता है तो इसकी जो फ्लेम है वो अलग हो जाती है देन द वुड वैन हीटेड रिलीज सर्टिन गैस दैट बर्न विद द फ्लेम इसी तरीके से तो जो वुड होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है जब वो जलता है तो उसके साथ में जो फ्लेम निकलती है वो अलग तरीके से निकलेगी ओके okay, तो हमने तीनों फॉर्म देख लिए है।, है ना फायर के जैसे एलपीजी है जो गैसेस फॉर्म में पाया जाता है कैरोसिन है वो लिक्विड फॉर्म में है और जो वुड है वो अलग फॉर्म में पाया जाता है तो इस तरीके से हम लोग ने फ्लेम के थ्री स्टेट्स देख चुके हैं लिक्विड सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म जिसमें से जो गैस है वो बर्न होती है सो so, स्टूडेंट्स यहां से शुरुआत होती है हमारे लेट्स टू की ओके लाइन वाइज लाइन Jo chapter hai, i already taught you okay so i'm stopping here i will provide the uh, question answers of let's try to uh, see you soon with the another part of this chapter till then take care bye bye and once again students i'm telling you if you have any query any problems so mention on the comment okay